बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर कपल में से एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार दीपिका पादुकोण ने करण जौहर को लेकर ये कहा था कि उनका मन करता है वो करण को एक जोरदार तमाचा जड़ दे। जी हाँ, आपको बताते हैं कि आखिर क्यों करण जौहर को लेकर इतनी बड़ी बात दीपिका पादुकोण ने कही थी। पर आपको बता दें कि इस फिल्म इंडस्ट्री में जितना फेम और पॉपुलैरिटी फिल्म स्टार्स के काम और फिल्मों को लेकर होती है, उसे कहीं ज्यादा उनके बोले हुए बयानों को लेकर होती है जो काफी ज्यादा बोल्ड होते हैं। ऐसे ही दीपिका पादुकोण ने एक बड़ा बयान दिया था जब वो पहुंची थी कॉफी विद करण के शो में। हालांकि ये वीडियो कुछ पुराना है, लेकिन देखने में आपको काफी दिलचस्प लगेगा और शायद आपका भी मन कर जाए कि जो दीपिका ने कहा वो सच ही हो। पर आपको बता दें कि इस एपिसोड के दौरान कई सारे सवाल करण जौहर पूछते हुए नजर आए और कई बार वो पर्सनल अटैक करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा आपको इस वीडियो में नजर आएंगे जो कि करण के एक एपिसोड में पहुंचे थे। इस दौरान दोनों में से किसी भी शादी नहीं की थी, दोनों अनमैरिड थी। हालांकि इस एपिसोड में करण जौहर ने दीपिका पादुकोण से ये सवाल पूछा कि क्या ब्रेकअप के बाद भी उनकी गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू यानी कि RK लिखा हुआ है, क्या अब उन्हें उसे राजीव खंडेलवाल को डेट करना पड़ेगा जिससे RK काम आ जाए। इस पर पहले तो दीपिका हंसते हुए नजर आती है, लेकिन सवाल सुनकर वो सिर्फ इतना कहती है कि उनका बहुत मन हो रहा है कि वो करण को एक जोरदार थप्पड़ लगा दे। एक्ट्रेस के इस जवाब और इच्छा को बढ़ावा देते हुए प्रियंका चोपड़ा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। प्रियंका ने कहा कि हाँ भाई, किसी को तो मारना ही चाहिए। इसके बाद भी करण जौहर चुप नहीं हुए और बोलते हुए नजर आए कि दीपिका का RK टैटू किस तरह RS बन सकता है। बता दें कि उस समय दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को डेट कर रही थी और आज वो उनसे शादी भी कर चुकी है। अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने पब्लिकली तब कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज वो दोनों पावर कपल है। वह आपको बता दें कि अक्सर करण जौहर इस तरह के पर्सनल अटैक्स अपने शो में बुलाकर बड़े बड़े अभिनेताओं से करते रहते हैं। कई कलाकारों ने उनके शो में आने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया है। हालांकि इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताओ। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई करण जौहर को एक जोरदार चाटे की जरूरत है या नहीं।